हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि लेयर मास्क कैसे बनाते हैं। लेयर मास्क एक ऐसा फोटोशॉप में ऑप्शन है या ट्रिक्स है जिसको एक बार समझ में आ गया और जिसको एक बार अच्छा तरह से ये लेयर मास्किंग करना आता है आ गया तो उसको समझ में उसको समझिए कि वो डिजाइनिंग बहुत अच्छा कर सकता है। कुछ भी चीज़ हो, पोस्टर हो, इनविटेशन कार्ड हो, कुछ भी विजिटिंग कार्ड हो, कुछ भी हो, वो एकदम आसानी से बना सकते हैं। किसी का दो चार फोटो देके कुछ गिफ्ट बना सकते हैं, एक पेपर में डिजाइन करके उसको प्रिंट करके आप दे सकते हो, फ्रेमिंग करके। मतलब बहुत ही एक सुंदर ऑप्शन है फोटोशॉप के अंदर जो है लेयर मास्क। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको डिजाइनिंग के अंदर जो डिजाइनिंग करता है उसको लेयर मास्क आना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो डिजाइनिंग उतना खास नहीं बनेगा। तो लेयर मास्क मैं आपको एकदम इजी तरीके से प्रोसेस से सिखाऊंगा। उससे पहले क्या करना है, जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे जो चैनल पे जो मेरा सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल वाला बटन उस पर क्लिक करना है और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना। इससे क्या होगा, मेरा जितना भी वीडियो आगे अपलोड होगा वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो मैंने एक यहाँ पे कैनवास लिया, कैनवास का साइज मैंने 8x12 एक फाइल साइज लिया। तो सबसे पहले क्या करना है, मेरे को ये जो कैनवास है इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। कलर अब आपके हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, फोटो के हिसाब से मैं एक ऐसा कलर दे दिया। अब इसको मैं ऑल्ट बैक पे मारता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरा तीन फोटो है, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या फोटो है। तो तीन फोटो है, तो एक एक करके तीनों फोटो को मैं यहाँ पे मास्किंग करता हूँ। देखिए पहला ये फोटो लिया तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया और इसको मैं बंद कर दिया। अब इस फोटो को मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होगा कैनवास की सबसे, तो इसको छोटा करने का क्या है, इससे पहले भी मैंने बताया था, एडिट में गया, यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी और शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर से इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए, छोटा हो जाएगा। इससे पहले वाला वीडियो में भी मैंने ऐसा बताया था आपको। तो इसको थोड़ा मैं प्लेसमेंट करता हूँ ऐसा। इसके बाद क्या करना है, इसको लेयर मास्क कैसे करना है, देखिए यहाँ पे लेयर पैनल पे जो है यहाँ पे ऐड लेयर मास्क है, यहाँ से भी कर सकते हो आप। और एक जगह है जहाँ पे देखिए यहाँ पे लेयर है, लेयर पे जाइए, क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे देखिए लेयर मास्क है। तो लेयर मास्क के यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक रिवेलल और एक हाइडल। रिवेलल नहीं करना है, रिवेलल मतलब यहाँ पे जो है आपका लेयर मास्क यही वाला ऑप्शन है, मेरे को यहाँ पे हाइडल करना है। हाइडल करने से क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में जो कलर दिया हुआ है वो आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के ब्लैक और व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए लेयर मास्क में गया और यहाँ पे हाइडल पे क्लिक किया, देखिए फोरग्राउंड में मेरा ब्लैक आ गया, बैकग्राउंड में मेरा व्हाइट आ गया। अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए फोटो गायब हो गया और लेयर पे देखिए यहाँ पे एक मास्किंग हो गया। अभी मेरे को यहाँ से ब्रश लेना है, ब्रश लिया, ब्रश का यहाँ पे सेटिंग है, इससे पहले मैंने बताया था मेरा पिछले वाला वीडियो में, यहाँ से हार्डनेस इसको मेरे को जीरो रखना है और डायमीटर मतलब ब्रश कितना बड़ा होगा, तो ब्रश थोड़ा सा बड़ा चाहिए यहाँ पे, मैं इतना बड़ा रखा हूँ। चलिए और सबसे ज़रूरी क्या है, एकदम इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे जो फोरग्राउंड में ब्लैक है बैकग्राउंड में व्हाइट है ऐसा नहीं है। अगर ये फोटो को मेरे को मतलब बाहर निकलना है तो इसको मास्किंग करना है तो इसको फोरग्राउंड में व्हाइट चाहिए, तो यहाँ पे जो एरो है इसको आप क्लिक कर दीजिए। अभी ये डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको मैं कीबोर्ड का ब्रैकेट से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे ओपासिटी मेरा 100% और फ्लो भी मेरा 100%, बस और कुछ नहीं करना है। अभी सिर्फ यहाँ से इसको ब्रश से आपको इसको ड्रैग करना है और कुछ नहीं करना। देखिए नीचे का जो फोटो था वो बाहर आ रहा है, थोड़ा डायमीटर का छोटा कर लेता हूँ ब्रश को, वो कीबोर्ड का ब्रैकेट से होता है। अभी देखिए मैं इतना कर लिया, अभी ये साइड से इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना, मतलब बैकग्राउंड के साथ थोड़ा मार्च कर देना। तो क्या करना है, मेरे को ये ओपासिटी जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसको कम करके आप 30% के आसपास लेके आ जाइए। तो फिर इसको ओपासिटी कम हो जाएगा, फिर आप साइड साइड में इसको ड्रैग कीजिए, देखिए वो बैकग्राउंड के साथ मार्च होता जाएगा। अगर वो 100% में कीजिएगा तो वो इतना खूबसूरत मार्च नहीं होगा। इसको थोड़ा सा और 100% कर देता हूँ और फेस पे यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ और साफ कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा फोटो से भी ऐसा करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे भी एक फोटो है, इसको मैं यहाँ पर ढक करके यहाँ पर छोड़ दिया और इसको मैं बंद कर दिया, इसको भी मैं छोटा कर दूँ। कैसे किया, मैं एडिट में गया, फ्री ट्रांसफॉर्म और इसको मैं शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसको मैं प्लेसमेंट करता हूँ, ऐसे रखता हूँ इसको मैं और इंटर मारता हूँ। सेम प्रोसीजर
मैंने क्या बताया था आपको, लेयर पे जाना है, लेयर मास्क पे जाना है, उसके बाद हाइड ऑल पे जाना है, क्लिक करना है। देखिए यहाँ फोटो गायब हो गया, यहाँ पे लेयर के ऊपर एक लेयर मास्क बन गया। फोरग्राउंड में मैंने बोला था व्हाइट चाहिए, बैकग्राउंड में मेरे को ब्लैक चाहिए, फोरग्राउंड में व्हाइट आ गया। अभी ब्रश लेना है, ब्रश का सेटिंग मैंने बताया था, हार्डनेस एकदम जीरो रहेगा और डायमीटर मैं फोटो के हिसाब से लूँगा, जहाँ पर जितना बड़ा लगेगा मैं इतना किया। अभी इसको मैं इतना सा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ब्रैकेट से, कीबोर्ड का जो ब्रैकेट है अभी 100% में है, इसको थोड़ा मैं फिर से मैंने बताया था इसके आसपास लेके आइए और फिर इसको ड्रैग कीजिए, तो ये बैकग्राउंड के साथ मार्च हो जाएगा। अगर कहीं पे आपको लगता है कि गड़बड़ हो गया, लेकिन जैसे जैसे गड़बड़ हो गया तो आपको क्या करना है, ये मास्किंग हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये हुआ फोरग्राउंड में मेरा ब्लैक आ गया था इसलिए ऐसा हो गया, आप इसको घुमा के व्हाइट कर दीजिएगा, ये फोटो फिर वापस आ जाएगा। मास्किंग ही ऐसा है, मेरे को लगता है कि ये हाथ थोड़ा मेरे को छुपाना है, तो ये क्या करना है, यहाँ पे ब्लैक को फोरग्राउंड में लाना है और इसको ऐसे दे देना है। मेरे को लग रहा है कि नहीं हाथ सही था, तो इसको वापस इसको व्हाइट के ऊपर दे दीजिए, हाथ के ऊपर ड्रैग कीजिए, एकदम आसान तरीका है। तो इस तरह से आपको लेयर मास्किंग करना है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी और एक फ़ोटो बाकी है, तो उसको भी मैं मास्किंग कर देता हूँ, आप तीसरी बार देख लीजिए। तो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया और इसको मैं बंद कर दिया। तो इसको भी मैंने कंट्रोल टी करके छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल टी किया और शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस किया, इसको छोटा कर दिया। कितना खूबसूरत डिजाइन बन जाएगा देखिए फ्रेंड्स। आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, किसी का बर्थडे, किसी का कुछ भी हो, उसके हिसाब से आप दो चार फोटो देके या पांच छह फोटो देके ऐसे कोलाज बना के उसको प्रिंट करके फ्रेमिंग करके आप गिफ्ट दे सकते हो, मतलब एक मज़ेदार चीज़ बनेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये फोटो सबसे ऊपर में लेयर से टॉप पे है, इसको पकड़ के सबसे नीचे देना है, नीचे दे दिया। अभी इसका भी मास्क कर देता हूँ, यहाँ पे लेयर पे गया, लेयर मास्क पे गया और यहाँ पे हाइड ऑल, तो मेरा ऊपर में फोरग्राउंड में ब्लैक आ गया, तो मैं इसको घुमा के व्हाइट कर देता हूँ। फिर यहाँ से ब्रश लेता हूँ, ब्रश का ओपेसिटी में यहाँ पे 100% करता हूँ, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अभी इसको भी मैंने ब्लेंड कर दिया ऐसा बैकग्राउंड के साथ, देखिए कितना खूबसूरत सा एक, इसको ओपेसिटी थोड़ा कम करके 20% करके इसको मैं ड्रैग कर दिया। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका, मैं थोड़ा सा इसको गैप को थोड़ा मेंटेन कर देता हूँ। तीन फोटो देखे एक कोलाज बन गया। आप इसको और क्रिएटिव बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, जैसे तीनों फोटो कंटिन्यूअसली आ रहा है तो बीच का जो फोटो मिडिल वाला इसको थोड़ा सा चेंज कर दे, इस लेयर पे यहाँ पे लेयर पे जाइए, मास्क पे नहीं, इस लेयर पे जाइए, या तो इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद इस लेयर पे आइए और यहाँ पे जो लेयर स्टाइल है, यहाँ पे बहुत सारा लेयर स्टाइल है, आप यहाँ से कुछ भी जैसे लुमिनिसिटी कर सकते हो, या तो आप यहाँ से हार्ड लाइट कर सकते हो, फोटो का कुछ लुक चेंज हो जाएगा, या तो यहाँ पे लाइनर ब्राउन कर सकते हो, इसका लुक चेंज हो जाएगा। अब ऐसे करके आप देख सकते हो जो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है एक लाइटन कर सकते हो, जो मतलब जो आपको अच्छा लगे विविड लाइट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर दीजिए, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हार्ड यहाँ पे हार्ड लाइट कर देता हूँ, मैं हार्ड लाइट कर देते हैं इसको, तो थोड़ा सा ये अलग हुआ, मतलब तीनों कंटिन्यूअसली जो था उससे थोड़ा सा ये अलग हो गया, तो इससे क्या वो वेरिएशन आएगा। और थोड़ा सा क्रिएटिव करना है तो क्या करना है, ये सबके ऊपर एक टॉप लेयर पे गया, यहाँ पे एक न्यू लेयर लिया और मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्केट टूल लिया और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये तो आसान एकदम है, आपको पता ही होगा, सिलेक्ट किया और इसको मैं सिलेक्ट में जाके इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स मतलब ये इतना सा बॉर्डर जैसा ये एक फ्रेम बन गया। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट पे जाइए, यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाइए, यहाँ से ग्रेडियंट पे कलर पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप कलर कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने ये कलर लिया, इसको यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे जैसे आपको मर्जी है उसके साथ करते हो, और इसका कलर मैं चेंज करके थोड़ा सा इसको मैं ऐसा कर दिया जो मेरे को अच्छा लगे, देखिए इस तरह का बन गया।
अब इसके ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी है जिसको आप गिफ्ट दे सकते हो, या जिसका डिज़ाइन कर रहे हो, या कुछ पोस्टर डिज़ाइन करो, आसानी से आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये लेयर मास्किंग अगर आपको दिमाग में एक बार घुस गया और आपको अच्छा तरह से करना आता हो या आना लग गया, तो समझ लीजिए आप कुछ भी डिज़ाइन आप कर सकते हो बहुत अच्छा तरह से। डिज़ाइन, हार्ड डिज़ाइन में लेयर मास्किंग एकदम बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट और शेयर कीजिएगा, और जिस फ्रेंड ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।